दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक बंद कर रखा है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग VFX वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, इस वीडियो को अभी तक रोपोजो ऐप पर किसी ने भी बनाकर अपलोड नहीं किया है। अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट बनाकर अपनी रोपोजो आईडी पर अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल ESR की टैक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी रोपोजो ऐप पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आपको इस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो आप ये वाली वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर चलकर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एक्सपर्ट रेशियो लेना है वो लेना है 9.16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है और इस कलर बोर्ड का साइज़ आपको 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी गैलरी में से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस फोटो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है और इस फोटो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन की साइज में कर लेना है। फिर इस फोटो लेयर पर टैप करके आपको इसे इस बैकग्राउंड के बराबर कर देना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है और इस वीडियो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन के साइज में कर लेना है। फिर इस वीडियो में आपको ग्रीन वाली जगह को सर्च करना है। इस जगह को सर्च करने के बाद आपको इस लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है और जो की कलर है वो ग्रीन सिलेक्ट करना है, जगह पर रखकर दबा देना है। देन यहाँ से कलर रेंज को 36-37% तक कर देना है। देन आपको वीडियो प्ले करनी है। तो आप देखो हमारा फोटो थोड़ा आउट आ रहा है, फोटो को एडजस्ट करना है कुछ इस बैकग्राउंड के बराबर। फिर आपको वीडियो को प्ले करना है। तो आप देखो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। फिर आपको एरो निशान पर टैप करना, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पे क्लिक कर देना है। कुछ लोडिंग लेगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।